वाह बेटा वाह, अगर पैसे मिल गए होते ना तो तेरे मुंह से ये सब फूल ना झड़ रहे होते। पैसे नहीं मिले तो सारी गलती माँ की। हाँ, ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया, बोल ना अपने लिए किया। तेरा दम नहीं घुट रहा था उस दुकान में? तो माँ वो मेरी प्रॉब्लम थी ना, मैं अपने आप हैंडल कर लेता। आप ही का आइडिया था ना पप्पी के पास जाने का। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जो आपकी बातों में आ गया। मैं भगवान से ना प्रार्थना करो आप कि किसी को पता ना लग जाए साइन हमने कराए थे। और जोर से ढिंढोरा मत पीट। मैं समझाती हूँ तुझे, देख मेरी तरफ देख। देख 2 अक्टूबर को क्या था? है क्या है? था ना उस फिल्म में। पहले अपने मन को समझाना पड़ता है कि कुछ नहीं हुआ है। वैसे ही हमें हमारे मन को समझाना पड़ेगा कि हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। सब भूल जाओ एकदम से। हम भी तो बेचारे हैं ना, हमें भी तो किसी ने ठगा है ना। हाँ तो इसलिए भूल जाओ, सब भूल जाओ। क्या आइडिया लाई हो आप? सब भूल जाते हैं है ना, सब भूल जाते हैं। मैं भूल जाता हूँ मैं रवि हूँ, आप भूल जाओ आप कुछ हो है ना, सब भूल जाते हैं। अभी तो सिर्फ पापा को शक हुआ है, कल को किसी और के मन में सवाल आएगा, क्या करेंगे फिर? किसी और के मन में आए ना आए, ये पल्लवी के मन में जरूर आ सकता है। एक वही तो है मेरी जान की दुश्मन। हाँ तो मां ज्ञान मत बांटो, सोचो कुछ कि हम कैसे पकड़े ना जाएं। ताई जी, वो मूंग दाल की बड़ी मिल गई, डब्बे के पीछे ही रखी थी। ठीक है चल। कोई सबूत तो नहीं छोड़ा हमने? नहीं, मैंने बहुत शातिर तरीके से काम किया है, कोई सुराग नहीं छोड़ा है। ओ नो, सीसीटीवी, दुकान में तो सीसीटीवी है। मैं तो भूल ही गई थी सीसीटीवी। अरे मैंने ताऊजी से दुकान में तो साइन करवाए थे, सब रिकॉर्ड हो गया होगा सीसीटीवी में। आप ही का आइडिया था ना ये भी, बड़ी शातिर बन रही थी आप। अब क्या करें? अब क्या करें क्या, चलते हैं दुकान। हाँ चलो फटाफट। अरे माँ, अरे पप्पी के पप्पूत पहले से बैठे हैं यहाँ पे। पप्पूत? यमराज के यमदूत होते हैं ना, तो पप्पी के पप्पूत हो गए। हम जाएंगे कैसे अंदर? पीछे के रास्ते से जाएंगे। पीछे के रास्ते से? देखो बेटा, तुम्हें पता है मैं तो कितनी भोली हूँ, ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम्हें तो सब समझ में आता है ना, तुम अंदर जाओ। हाँ हाँ मैं जाता हूँ। हाँ दिल मजबूत है मेरा, मैं जाता हूँ, जाता हूँ मैं। मैं जाऊँ क्या? रहने दे रहने दे, कमा लिया तुमने पुण्य, अपनी माँ को बचाने के लिए इतना कह दिया उतना ही काफी। हाथ कांप रहे, तेरे पसीना छूट रहा है, दिख रहा है तेरा दिल कितना मजबूत है। तू गाड़ी में बैठ, मैं ही अंदर जाके आती हूँ। अब आप इतनी जिद कर रहे हो तो जाओ, आप ही जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट करके रखता हूँ। कोई आएगा तो फटाफट भाग के आ जाना, हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। ठीक है, फोन है मेरे पास, मैं फोन करती हूँ अंदर जाके। ठीक है, सब बताना मुझे। सोच क्या रही हो? मैं सोच रही हूँ पीछे के दरवाजे से तो जाती हूँ पर फेस बदल के जाती हूँ। हाँ। है ना? आकाश, यहाँ पे भी बाउंसर्स हैं। पप्पी के आदमी यहाँ भी खड़े हैं यार। अच्छा
बैकडोर की चाबी इसी में है ना? ये सारे दरवाजों की चाबियां इसी सेट में है और बैक डोर की चाबी ये वाली है, लेकिन इधर कैसे जाएंगे? पप्पी के आदमी तो यहाँ भी खड़े हैं। काश जाना तो आज रात में ही पड़ेगा। अगर तुम इन लोगों का ध्यान भटका दो तो मैं अंदर चली जाती हूँ। ऐसी बातें कर रही हो, तुम ये रिस्क नहीं ले सकती। किस आकाश पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो? तुम अंदर गया और पकड़ा गया ना तो फंस जाएगा यार। एक काम करो, मैं अंदर जाता हूँ, रुको यहाँ पे। क्यों, तुम क्या मिस्टर इंडिया हो? नहीं, हमारे पास मिस्टर इंडिया की घड़ी है। कोर्स नहीं पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या इनविजिबल हो जाओगे? अरे प्रॉब्लम तो होगी ही ना, कोई भी जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं कर लूंगी। एक सेकंड। लवी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? नो नो पल्लवी, जरूर कुछ खुराफाती चल रहा है। पल्लवी नहीं, पल्लवी यहां नहीं। आकाश क्या कर रहे हो? मैं गारंटी नहीं है आकाश। अरे गारंटी है तो। अरे आकाश कुछ और बात हो सकती है, हो सकता है कि रवि भाभी पूजा करने गए हो। नहीं पल्लवी, रवि भैया चाहते थे कि दुकान बिक जाए। ये पक्का रवि भैया और ये वही पेपर्स है। उनकी कोई हेल्प भी कर रहा है यार, कैसे हो सकता है? हाउ कैन रवि भैया डू दिस? क्या शांत हो जाओ पल्लवी, बहुत गलत है पल्लवी, ये नहीं होना चाहिए था। कैन बिलीव दिस पल्लवी, रवि भैया ये कैसे कर सकते हैं? धोखे से कैसे पापा के साइन ले सकते हैं? एक सेकंड पल्लवी, तुम्हें पता था कि रवि भैया है ये, फिर भी मुझसे ये बात छिपा रही थी, क्यों? तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा है ना आकाश, उससे डर गई थी। मानती हूँ गलती हुई है, लेकिन नहीं आकाश, अपनों से गलती हुई है। अपने? आकाश तुम गुस्से में हो, मैं बस इस गुस्से से सबको बचाना चाहती हूँ। पल्लवी क्या बचाना चाहती हो? बचा क्या? बचाने के लिए आउट ऑफ ऑल द पीपल रवि भैया ने ये किया है, मेरे अपने सगे भाई ने। उसने सबको धोखा दिया है पल्लवी, पूरे परिवार को, अपने भाई को, अपने पापा को, अपने ताऊ को, सबको। तो था वहां क्या? कौन था? देखा क्या आपने उसको? अब उसे देखती या खुद को बचाती, मगर वो जो भी था सीसीटीवी तक पहुंच गया था। माँ, और देखो टीवी, मैंने कहा वहां पे एक स्क्रीन होगा तो आपने टीवी चालू कर दिया। गलती कर दी माँ, आपकी बात मानी मैंने। देखो अब या तो मुझे कोस कोस के अपनी रात काली कर, या तो फिर सोच सोच के अपने दिमाग की बत्ती जला कि अब आगे करना क्या है। कोई तरीका है उस सबूत को उड़ाने का? कुछ भी, कोई अपने घर वाला हुआ तो। हमारे घर में मेरे इतना कोई टैलेंटेड है ही नहीं जो ऐसे पहलवानों को चकमा देकर अंदर तक पहुंच जाए। अगर कौन होगा? सोच सोच कर ना मेरा गला सूख रहा है, एसिडिटी जैसा लग रहा है। पक्का एसिडिटी, पानी। ऐसे शांत हो जाऊं पल्लवी? पता है पल्लवी, कुछ साल पहले ना मैंने ऐसे सजेस्ट किया था सबको कि हम मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। पापा और चाचू ने एकदम मना कर दिया था कि बेटा पागल है क्या, अपनी दुकान छोड़ के, अपनी जमा पूंजी छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। कभी भी एक साथ फैमिली वेकेशन पे नहीं जा पाए क्योंकि किसी ना किसी को दुकान पे बैठना पड़ता था। दुकान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा हमने, और भैया ने उसी दुकान को दांव पे लगा दिया। एक बार सोचा भी नहीं कि पूरे परिवार पे क्या असर होगा। भैया ने गलत किया है, उनको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं भैया के पास जाके सीधा आंख में आंख डालकर उनसे बात करूंगा कि उन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों। रुक जाओ आकाश। क्या होगा उससे? परिवार वैसे भी टूटने के कगार पे। आकाश गलत हुआ है, लेकिन आने दो, आकाश अपने हैं। अपने हैं? ऐसे होते अपने? अपने अपनों की पीठ पे खंजर घोंपते हैं क्या? क्या अपने अपने करती रहती हो? पहले भी कृष्ण जी का ना वो ज्ञान याद आ रहा है जो उन्होंने अर्जुन को दिया था कि बेटा तू बस अपना कर्म कर,
तेरा कर्म है लड़ना तो तू लड़, चाहे बेशक तीर अपने रिश्तेदारों पे क्यों ना लगे। रवि भैया ने गलती की है पल्लवी, उनको सजा मिलनी चाहिए और मैं सजा दूंगा पल्लवी। दिस इज नॉट राइट यार। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? महाभारत, इसमें अपने मरे हैं, अपनों को सजा मिली है। मैं कृष्ण जी के ज्ञान को गलत नहीं ठहरा रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वो ईश्वर है और उनकी लीला को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। अगर हमारे बस में कुछ है ना, वो बस खुद को काबू करना है। पल्लवी हम सॉरी, लेकिन मुझे खुद से काबू नहीं हो पा रहा है, मुझसे मैं कंट्रोल में नहीं रह पा रहा हूँ ये देखने के बाद। ठीक है आकाश, अगर तुम गए रवि भैया के पास, तुमने उनसे बात की, तो पता है वो तुम्हें क्या कहेंगे? कि क्या सबूत है कि मैंने पापा जी से साइन ली? अरे सबूत है तो है, फुटेज है सबूत। मैंने मान लिया कि फुटेज में वो साइन करवा रहे हैं पापा जी से, लेकिन पेपर्स, कौन से पेपर्स है आकाश? तुम कैसे प्रूव करोगे? आकाश अगर हमें कुछ करना है ना, तो सोच समझ के करना होगा। तुम ऐसे तैश में कुछ नहीं कर सकते, और ये पेपर्स इनफ नहीं है उनसे जाके भिड़ने के लिए। आकाश तुमने तैश में ना दीपू दी और वरुण जीजू को सब बता दिया था पापा की बात, फिर क्या हुआ? अभी तक उन दोनों के बीच में टेंशन चल रही है। यार पल्लवी मैं ना चलाके नहीं करता यार, मैं सीधा साधा सिंपल इंसान हूँ, अगर गलत करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ओके आकाश, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो ना वैसे नहीं। आकाश रवि भैया ये सब में अकेले है या नहीं, हम पहले वो पता कर लेते हैं, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे ना, प्लीज। सब में कोई और औरत भी इन्वॉल्व है और मैं ये बात अभी आकाश को नहीं बता सकती। ऑलरेडी आकाश भैया से बहुत गुस्सा है, अगर मैंने अभी ये बताया तो रिश्ते टूट जाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।